क्या आपको भी आपके छोटे छोटे कामों के लिए किसी दोस्त से उधार या कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है? अगर हाँ, तो अब आपको थोड़े पैसों के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप अब अपने फोन के ऐप पेटीएम से ही उधार ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपके अपने चैनल देसी टेक में स्वागत करता हूँ। पेटीएम ने भारतीय मार्केट में एक मोबाइल वॉलेट के तौर पर कदम रखा था। जैसे जैसे वक्त बीता, पेटीएम से अलग अलग सेवाएं जुड़ती गई। अब भारत के सबसे लोकप्रिय वॉलेट माने जाने वाले पेटीएम ने पेटीएम पोस्टपेड सेवा की शुरुआत की है। पेटीएम की जुबान में कहे तो पेटीएम पोस्टपेड एक तरह से यूजर के लिए क्रेडिट कार्ड है। आप पेटीएम पोस्टपेड इस्तेमाल करके आज किसी भी सेवा के लिए पैसे दे सकते हैं और उस पैसे का भुगतान अगले महीने कर सकते हैं। फिलहाल पेटीएम पोस्टपेड सेवा की बीटा टेस्टिंग हो रही है। अभी इस सेवा को सभी पेटीएम यूजर के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है, लेकिन आप चाहे तो पेटीएम पोस्टपेड सेवा शुरू करने के लिए अपनी मंजूरी दे सकते हैं। पेटीएम पोस्टपेड सर्विस का उपयोग मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, सिनेमा टिकट बुकिंग और पेटीएम शॉपिंग के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। चाहे आपके वॉलेट में पैसा ना भी हो, पेटीएम की इस सेवा की मदद से भुगतान हो जाएगा। इस दौरान आपको क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि पेटीएम पोस्टपेड के तहत हर यूजर के खर्च करने की एक लिमिट होगी। ग्राहक निर्धारित सीमा के अंदर का ही भुगतान पेटीएम पोस्टपेड से कर पाएंगे। इसके बाद महीने के अंत में आपको उस राशि का भुगतान करना होगा। आइए जानते हैं कैसे ओपन करें अपना पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट। सबसे पहले आपको अपने पेटीएम की प्रोफाइल में जाना है। वहाँ नीचे पेटीएम पोस्टपेड ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स डालनी होगी, जिससे आपका पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट 2 मिनट में चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद आपको इस प्रकार की पॉपअप विंडो नजर आएगी। इसमें कुछ नियम व शर्तें भी है। बताया गया है कि हर महीने पेटीएम पोस्टपेड के जरिए किए गए सभी ट्रांजेक्शन का बिल अगले महीने की 1 तारीख को आएगा। पोस्टपेड बिल को उस महीने की 7 तारीख तक भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में पेटीएम यूजर से जुर्माना लिया जाएगा। पोस्टपेड बिल भुगतान के लिए पेटीएम यूजर को महीने की 1, 10, 20 और 15 तारीख को रिमाइंडर भेजा जाएगा। अगर भुगतान 7 तारीख तक नहीं हो पाता है तो पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। ग्राहक जैसे ही पोस्टपेड बिल का भुगतान कर देंगे, अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा, लेकिन अगले महीने के बिल लेट फाइन के साथ लिया जाएगा। और मैं आपको जल्द ही पेटीएम पोस्टपेड प्लान एक्टिवेट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए अपने देसी टेक चैनल के साथ। इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए धन्यवाद।